गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर इंग्लिश क्लास। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पोयम माइस, पेज नंबर 100। लास्ट वीडियो में हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम पोयम पढ़ेंगे। ओके, योर पोयम नेम इज़ माइस। नाउ रीड एंड एन्जॉय। माइस मीन्स होता है चूहे, ठीक है। माउस मतलब होता है एक चूहा और माइस उसका क्या है, प्लूरल है, तो माइस मीन्स होते हैं चूहे। आई थिंक माइस आर रादर नाइस, ठीक है। इसमें जो जिसने ये पोएम लिखी है, जो ये पोएम बता रहा है, उसका सोचना है कि जो माइस होते हैं, चूहे होते हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। देयर टेल्स आर लॉन्ग, देयर फेसेस स्मॉल। उनकी जो पूंछ है वो क्या होती है, बड़ी लंबी होती है ना। देखो यहाँ पर आपको पिक्चर में दी हुई है, चूहों की पूंछ कैसी होती है, उनकी बॉडी जितनी लंबी होती है। देयर फेसेस स्मॉल, और मुंह उनका छोटा सा होता है। दे हैवंट एनी चीन्स एट ऑल, और उनकी कोई चीन नहीं होती है। चीन मतलब होता है जो लिप्स के नीचे जो चीन होती है, दाढ़ी जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दे हैवंट एनी चीन्स एट ऑल, जो चूहे हैं उनकी चीन्स नहीं होती है। देयर ईयर्स आर पिंक, देयर टीथ आर वाइट। उनके जो कान होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, एंड उनके जो दांत होते हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं। दे रन अबाउट द हाउस एट नाइट, ठीक है। वो पूरी रात घर में घूमते ही रहते हैं, जो चूहे हैं वो क्या करते हैं, पूरी रात घर में घूमते रहते हैं। दे निबल थिंग्स दे शुडंट टच, ठीक है। निबल मतलब होता है कुतरना, वो चीज़ों को क्या करते हैं, कुतर देते हैं, मतलब काट देते हैं सभी चीज़ों को, घर में जितनी भी चीज़ें रहती हैं उनको काट देते हैं। दे शुडंट टच, है ना, बिना किसी चीज़ को टच किए हुए, ठीक है। वो हाथ से टच नहीं करते उस चीज़ को, क्या करते हैं, सिर्फ अपने मुंह से कुतरते हैं। एंड नो वन सीम्स टू लाइक देम मच, और वो जो पोएम है जिसने ये पोएम कही है वो कहता है कि मुझे पता है कि कोई भी उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो चीज़ों का क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। बट आई थिंक माइस आर नाइस, पर मैं सोचता हूँ कि जो चूहे होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। देखो यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है ना, देखो वो खाने पीने की चीज़ें ढूंढ के निकाल के यहाँ क्या कर रहे हैं, बिल्कुल कुतर रहे हैं, ठीक है। अब नीचे आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, वो आपको कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू योर पोएम। आपके पोएम के से ही है वो भी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम दी पोएम। आपको यहाँ पर हाफ ऑफ सेंटेंस लिख के दिया, आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। माइस हैव लॉन्ग, है ना, उनकी क्या होती है, लॉन्ग टेल्स, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, टेल्स। दे हैव स्मॉल, स्मॉल क्या होते हैं, फेसेस, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, फेसेस। स्पेलिंग आप पोएम से ढूंढ के लिखेंगे। देयर टीथ आर, उनके दांत कैसे होते हैं, वाइट। द कलर ऑफ देयर ईयर्स इज, उनके कानों का कलर कैसा होता है, पिंक। दे रन अबाउट द हाउस एट, वो घर में कब दौड़ लगाते हैं, एट नाइट, रात में, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपकी पोएम कंप्लीट होती है, एक ही एक्सरसाइज दी हुई है, इसको आपको बुक में ही कंप्लीट करना है। आपका होमवर्क ये है कि पोएम को आपको अच्छे से रीड करना है, और इसके स्टार्टिंग की जो 10 लाइन्स है वो आपको लर्न करना है। ओके, आई थिंक माइस से लेके द हाउस एट नाइट तक स्टार्टिंग की जो 10 लाइन्स है वो आप क्या करेंगे, लर्न करेंगे। थैंक यू।